मैं हूं सीबू गेम पोल 3.0 को एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं, जिसमें अब मैं लाऊंगा नए नए गेम्स। और ये है वन ऑफ माय फेवरेट गेम। ये एक पजल गेम है जिसका नाम है पोर्टल, जिसमें आपके सामने आएंगे खूब सारे पजल्स जिनको आपको सॉल्व करते हुए आगे बढ़ना है। तो आपको भी अगर पजल गेम पसंद है और पजल सॉल्व करना बहुत अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और ऐसे ही गेम्स आपको फ्यूचर में भी चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो जो लोग इस गेम के बारे में नहीं जानते हैं उनको मैं ओवरव्यू दे देता हूं। इसमें आप रहते हैं एक टेस्ट सब्जेक्ट, और आपको ऐसे बहुत सारे रूम्स मिलेंगे जिसमें खूब सारे पजल्स होंगे। आपके पास होगी एक पोर्टल गन जिससे आप बना सकते हैं अलग अलग पोर्टल्स, और आपके सामने आएंगे हर एक चैम्बर में अलग अलग टाइप के चैलेंजेस जिनको सॉल्व करते हुए आपको अगले रूम में पहुंचना है। बट भाई कहानी यहीं तक नहीं है, आगे कहानी में ट्विस्ट है, तो इस सीरीज को जरूर आगे तक देखते रहेगा। इसमें काफी ट्विस्ट एंड टर्न्स मिलेंगे आपको। तो गेम की शुरुआत हो चुकी है। हम एक टेस्ट सब्जेक्ट है जिसके ऊपर टेस्ट किए जा रहे हैं और मॉनिटर किया जा रहा है हमारे मूवमेंट को। और हम इस चैम्बर में हैं जहां पर एक FM बज रहा है शायद, तो यहां पर एक मशीन लगी हुई है और यहां से जाने का कोई तरीका नहीं दिख रहा है। यहां पर टाइमर चल रहा है। ओके तो अभी यहां से निकले कैसे? Your specimen has been processed, and we are now ready to begin the test proper. Before we start, however, keep in mind that although fun and learning are the primary goals of all enrichment center activities, serious injuries may occur. For your own safety and the safety of others, please refrain from... Stand back. The portal will open in 3, 2, 1... तो ये रहा पोर्टल। ओके, यहाँ से हमको निकलना है। ये एक एंड है जहाँ से हम एंटर करते हैं, एक दूसरा पोर्टल है जहाँ से हम आउट निकलते हैं, यानी कि बाहर निकलेंगे जहाँ से। अभी तो ये पोर्टल हमारे लिए बना हुआ है, बाद में हमको ये पोर्टल्स बनाने पड़ेंगे। तो दो टाइप के पोर्टल होते हैं, एक ऑरेंज कलर का पोर्टल होता है और एक ब्लू कलर का पोर्टल होता है। तो हर एक लैब का नंबर दिया हुआ रहता है, टोटल शायद 19 लैब है मेरे ख्याल से, उसमें ये है। अब धीरे धीरे करके हमको आगे बढ़ते जाना है। और हमारे मॉनिटर के लिए देखिए यहाँ पर बहुत सारे कैमरे लगे हुए हैं, तो ऐसे गेट्स हमको मिलेंगे जिसके थ्रू होते हुए हमको आगे जाना पड़ेगा। ओहो, ये गेट बंद हो गया। अब हमको वो सामने वाला गेट खोलना है, और हमको ऐसे क्यूब्स मिलेंगे जिसका नाम है कंपेनियन क्यूब्स। इन क्यूब्स की वजह से हमको पजल सॉल्व करना है। तो इस केस में हमको इस क्यूब को उठाकर उस सामने वाले बटन पे रखना है ताकि वो सामने वाले गेट को एक्टिवेट कर दे। Excellent. Please proceed into the chamber lock after completing each test. First, however, note the incandescent particle field across the exit. This aperture science material emancipation grid will vaporize any unauthorized equipment that passes through it. For instance, the aperture science weighted storage cube. तो ये एक टाइप का ग्रिल है जिससे आप कोई भी अदर मटेरियल बाहर नहीं ले जा सकते, जैसे कि वो क्यूब। अगर क्यूब हम इसके उस पार ले जाते तो वो डायरेक्ट जल जाता। तो ये एक मेरे ख्याल से एलिवेटर लिफ्ट है जो अलग अलग लेवल पे आपको पहुंचाती है, जो लैब्स के अलग अलग लेवल हैं। तो शुरुआत में तो इजी पजल्स आएंगे, जैसे जैसे हम इन चीज़ों को समझते जाएंगे वैसे वैसे पजल्स हार्ड होते जाएंगे। तो ये है पहला लेवल। तो अब हमको पहला पजल सॉल्व करना है। यहाँ सामने रूम्स दिख रहे हैं, पार्टीशन दिख रहे हैं, सामने वाले बटन में हमको ये क्यूब को रखना पड़ेगा और वो गेट है। Please place the weighted storage cube on the 1500 megawatt aperture science heavy duty super colliding super button. ठीक है, ये कुछ नया टाइप का है। इसमें पोर्टल अपने आप खुल रहे हैं और बंद हो रहे हैं, हमको बस वेट करना पड़ेगा कि सही जगह पे ये पोर्टल खुल जाए ताकि हमको वहाँ से जो एक क्यूब है वो उठा के लाना है। तो वापस हम जाते हैं तो वही पहुँच गए जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, बीच वाले चैम्बर में। अब बीच वाले चैम्बर में एक पोर्टल हमेशा खुला रहेगा और दो दूसरा पोर्टल है वो चेंज होता रहेगा। तो हमको बस डिसाइड करना है कि कब हमको एंटर करना है और कब एग्जिट करना है। तो क्यूब जैसे ही आएगा हमको जाना है, क्यूब लाना है, और जैसे बटन आएगा उसके बाद उस बटन में उसको रख देना है। तो ये रहा, ओ पोर्टल बंद हो गया। तो हमको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, जैसे ही पोर्टल खुलेगा हम वापस जाएंगे। तो एक मिनट थोड़ा वेट कर लें, जैसे ही खुलेगा अपन जाएंगे। हाँ बिल्कुल आ गया। तो अब थोड़ा वेट करना पड़ेगा, जैसे ही पोर्टल दूसरा वाला हमको बटन दिखेगा, ये बटन, तो यहाँ जाके रख देंगे। अभी
तुरंत जैसे बटन में रखेंगे, अभी हमको तुरंत वापस जाना है, ऑफिस बंद हो गया ये। अब वो सामने वाला गेट खुल चुका है, अब जैसे ही पोर्टल आएगा यहाँ पर खुलेगा, तो जैसे ही हम एंटर करेंगे हम बीच वाले चैम्बर में वापस पहुंच जाएंगे यहाँ पर। अब हम वेट करेंगे जैसे ही वो चैम्बर वाला जो गेट वाला ओपन गेट वाला खुलेगा तब हम जाएंगे। तो ये रहा, बिल्कुल आसानी से क्रॉस हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुई। अब देखते हैं नेक्स्ट पजल को। ये उतना हार्ड नहीं था, फिर भी थोड़ा बहुत हार्ड था, लेकिन शुरुआत में मैंने जैसा कहा कि थोड़े इजी ही मिलेंगे आपको पहले गेम समझने के लिए, फिर बाकी आगे आगे लेवल काफ़ी हार्ड होते जाएंगे। और जब तक आप बेसिक चीज़ें सीख नहीं लेते कि कैसे कैसे ये वर्क करता है और क्या क्या चीज़ें आप इसके साथ कर सकते हैं, तब तक आपको ईजी वाले ही मिलेंगे। Please be advised that a noticeable taste of blood is not part of any test protocol, but is an unintended side effect of the Aperture Science Material Emancipation Grip, which may, in semi-rare cases, emancipate dental fillings, crowns, tooth enamel, and teeth. इस बार नया टाइप का कुछ कंडीशन है, इसमें एक पोर्टल की गन है जो कि लगातार पोर्टल छोड़ रही है। अब हम यहाँ तक तो पहुँच गए हैं, अभी करना क्या है मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। तो ये पोर्टल है, ओ गन मिल गई। ओके, हम यहाँ से नीचे जा सकते हैं और उस गन को पिक कर सकते हैं, तब हम अपना पोर्टल खुद बना पाएंगे। तो ये रही मेरी गन, पोर्टल गन हमको फाइनली मिल गई। With it, you can create your own portals. These intradimensional gates have proven to be completely safe. The device, however, has not. Do not touch the operational end of the device. Do not look directly at the operational end of the device. Do not submerge the device in liquid, even partially. Most importantly, under no circumstances should you... तो देखा ना आपने, अब हमारे पास अपनी खुद की गन आ गई है, हम पोर्टल बना सकते हैं और कहीं भी पहुंच सकते हैं। अब मुझे बस सोचना पड़ेगा कि कहां से निकलना है इसमें। पोर्टल गन तो मिल गया है, ये इनलेट है, एक मिनट, एक जो ब्लू ऑरेंज पोर्टल है यहां पर है। ओके, गेट खुल चुका है, बढ़िया गेट खुल चुका है, बस हमको यहां अंदर जाना था। तो अभी बस हम केवल जो ब्लू कलर का पोर्टल है वही बना सकते हैं, ऑरेंज के लिए हमको वेट करना पड़ेगा। अभी एक टाइप के पोर्टल से ही काम चलाना पड़ेगा। अभी कुछ टेस्ट लैब तक जो ऑरेंज पोर्टल है वो फिक्स रहेगा, आपको चेंज करना पड़ेगा केवल ब्लू पोर्टल्स को। तो ये पहुंच गए हम लैब नंबर 3 में, तो देखते हैं कि क्या चैलेंजेस मिलते हैं। ओके, तो ऑरेंज पोर्टल वहां बना हुआ है, तो वहां जाने के लिए केवल ब्लू पोर्टल यहां लगाना पड़ेगा और हम आराम से यहां पहुंच जाएंगे, बढ़िया। तो यहाँ पर सीढ़ियाँ बनी हुई है और यहाँ से हम ऊपर नहीं जा सकते। माइंड यू, इसका जंप इतना ऊंचा नहीं है कि ये सीधा जंप करके चढ़ सके, तो हमको दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। तो हमको पहुँचना है वहाँ, तो हमने ब्लू पोर्टल बना दिया, ऑरेंज यहाँ पर है, तो अब इस बार हम ऑरेंज से निकल के ब्लू गए, बाहर निकल गए। मतलब ये दोनों तरीके से काम करता है, अगर आपने दो पोर्टल बना दिए हैं तो किसी से भी एंटर करके आप किसी में भी बाहर निकल सकते हैं, यानी कि दो एंड आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, आप उसमें से अंदर बाहर हो सकते हैं। ये बहुत ही कूल टाइप का गेम है भाई, बहुत ही मज़ेदार कॉन्सेप्ट है इसका, और इसमें अलग अलग टाइप के पजल्स भी आते हैं जिनको सॉल्व करने में बहुत ही मजा आता है। ओके, अब थोड़ा सा मेरे को देखना पड़ेगा, यहाँ एक बटन है तो क्यूब हमको एक चाहिए रहेगा, सामने एक क्यूब दिख रहा है, ये ऑरेंज पजल सॉरी ऑरेंज पोर्टल यहाँ पर है, तो हमको ये गेट खोलना है, इसके लिए क्यूब चाहिए। देखें तो एक क्यूब वहाँ पर पड़ा है, नीचे में एक क्यूब है। ओके, तो वहाँ जाना पड़ेगा, तो एक पोर्टल वहाँ बनाते हैं और एंट्री करते हैं। तो बस इस क्यूब को लिया, इस पोर्टल से बाहर निकले और यहाँ लग दिया, बढ़िया, ये तो इजी था। इसके बारे में आपको थोड़ा मैं बता दूं, ये एक अपर्चर लैब है जो कि टेस्टिंग सब्जेक्ट्स के ऊपर है, यानी कि हमारे ऊपर थोड़े टेस्ट करती है पोर्टल के रिगार्डिंग। ये पोर्टल डिवाइस को भी और पोर्टल्स के फंक्शन को भी टेस्ट करती है हमारे थ्रू। तो ये हम पहुंच गए लैब नंबर 5 में, तो देखें कि ये आगे हमारे लिए क्या पजल है सामने। तो हमारे ऊपर नज़र रखी जा रही है, तो यहाँ दो बटन है। ओके, तो ऑरेंज पोर्टल वहाँ खुला है, एक कंपेनियन क्यूब यहाँ है, तो एक राइट का निशान यहाँ है और एक राइट का निशान यहाँ पर पड़ेगा, यानी कि दोनों में जब एक साथ प्रेशर पड़ेगा तभी ये गेट खुल पाएगा। तो उसके लिए दो क्यूब्स चाहिए होंगे, एक तो वहाँ पर है, तो मैं जाऊँ कैसे,
एक दूसरा ऑरेंज के सामने भी है शायद, में या नहीं शायद रिफ्लेक्शन पड़ रहा है, तो ऑरेंज के ऊपर तो हम चले गए, अब हमको वो क्यूब लेना है। तो एक मिनट, एक और क्यूब वहाँ पर पड़ा हुआ है, तो दोनों क्यूब एक एक करके हमको लाने होंगे और उसको नीचे गिराना पड़ेगा। तो ये तो ईजी है, एक पोर्टल यहाँ बनाया, क्यूब को यहाँ डाला और इसे नीचे गिरा देता हूँ। बढ़िया, अब हम नीचे जाकर उसे पिक कर सकते हैं और स्विच में रखेंगे। अभी दूसरा लगाना है मुझे, ऑरेंज पोर्टल से हम बाहर निकल गए हैं, ब्लू बना सकते हैं, तो ब्लू वहाँ पर बना देते हैं हम, ताकि वहाँ से सीधे वो क्यूब को ले लेते हैं। तो ये क्यूब है, इसको हम यहाँ से पिक करेंगे और वापस चलते हैं और अब सीधा नीचे उतरते हैं। पोर्टल्स की ज़रूरत तो ख़त्म हो गई है, अब आराम से इसमें एक यहाँ रख दिया और दूसरा वाला उठा के यहाँ रख दिया, बस हो गया हमारा काम। Easy था, उतना हार्ड नहीं है ये। As part of a required test protocol, our previous statement suggesting that we would not monitor this chamber was an outright fabrication. Good job. As part of a required test protocol, we will stop enhancing the truth in 3, 2. Okay, इधर का गेट बंद हो गया है, कैसे निकले? ओह, ऑरेंज पोर्टल ऊपर है। ओह, समझ में आ गया। तो हमको ब्लू पोर्टल यहाँ बनाना पड़ेगा, हम यहाँ से नीचे गिरेंगे, ओ आराम से। और अब हमको कहाँ जाना है? गेट किधर है भाई? हाँ ओके, यहाँ से जाना है। तो इससे होते हुए हम आराम से अब नेक्स्ट चैम्बर पे चलते हैं, जहाँ पर एक और नया पज़ल हमारा वेट कर रहा होगा। तो देखते हैं कि अगले लैब में हमारे पास क्या कंडीशन आती है। बहुत ही मज़ेदार गेम है भाई, मुझे बहुत मज़ा आता है पज़ल सॉल्व करने में। आगे तो ऐसे ऐसे पज़ल्स मिलेंगे कि थोड़ा दिमाग ख़राब हो जाएगा, लेकिन फिर भी थोड़ा पेशेंस रख के हमको खेलना पड़ेगा। तो ये है लैब नंबर 6, जो कि थोड़ी सी अजीब लग रही है। While safety is one of many enrichment center goals, the Aperture Science high energy pellet seen to the left of the chamber can and has caused permanent disabilities such as vaporization. Please be careful. इसे टच नहीं करना चाहिए था। खैर, जो दीवार में ब्लैक कलर के टाइल्स बने हुए हैं, ये स्पेशल टाइल्स है, इसमें हमारा पोर्टल काम नहीं करता। हमारा पोर्टल केवल काम करेगा तो सिर्फ ऐसे वाइट टाइल्स के ऊपर काम करेगा। तो हमको इस एनर्जी वाले गोले को इसके अंदर पहुंचाना है, तो यहाँ एक पोर्टल बनाना पड़ेगा। अब ऑरेंज से होता हुआ वो यहाँ पर आ जाएगा और इसे इलेक्ट्रिफाइड कर देगा, जो कि चार्ज कर देगी इस लिफ्ट को। जैसे हम इस लिफ्ट के ऊपर जाएंगे, हम सीधे ऊपर पहुँच जाएंगे, मतलब कि वहाँ ऊपर नहीं, यहाँ ऊपर पहुँचेंगे गेट के पास में। तो देखा ना, उतना हार्ड नहीं है, पहले थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। मैं इतना इजी इसलिए कर ले रहा हूँ भाई, क्योंकि मैंने ये गेम पहले खेला हुआ है। आप अगर पहली बार खेलेंगे तो आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं इसमें और ये किस तरीके से काम करता है। तो अब बारी है लैब नंबर 7 की, तो देखते हैं कि अब कौन सा अलग टाइप का टेस्ट हमारा वेट कर रहा है वहाँ। यहाँ भी वैसे ही ब्लैक कलर के टाइल्स बने हुए हैं। Warning devices are required on all mobile equipment. However, alarms and flashing hazard lights have been found to agitate the high energy pellet and have therefore been disabled for your safety. Okay, तो जो एनर्जी वाला गोला है हमको वहाँ पहुँचाना है। यहाँ पर एक पोर्टल बनाना पड़ेगा, क्योंकि ऑरेंज पोर्टल नीचे बना हुआ था। ओके, तो ये काम तो इजी था, जिससे ये अब चार्ज हो गया है। अब दूसरा एक प्रॉब्लम है कि हमको इस लिफ्ट के ऊपर जाना है और यहाँ से तो जा नहीं सकते, क्योंकि एक मिनट, इसके ऊपर से जा सकते हैं। तो जैसे ही वो खसक के नीचे आएगा, हम वेट करेंगे, और क्योंकि पोर्टल हमने वहाँ पर बनाया हुआ है, तो यहाँ से जंप करके सीधे हम इसके ऊपर चढ़ जाएंगे। थोड़ा ट्रिकी है, पर काम कर जाएगा। ओके, अब आराम से हम इसके ऊपर आ चुके हैं। देखा, एक पोर्टल मैंने ऊपर बनाया था और एक नीचे से पहले बना हुआ था, तो बस यही करना था, क्योंकि आपको मालूम व्हाइट टाइल्स के ऊपर ही काम करेगा, ब्लैक के ऊपर नहीं कर सकता। तो अब आराम से हम इसमें से जा सकते हैं। तो ये बढ़िया, तो ये हो गया हमारा एक और टेस्ट पास। तो ये थोड़ा दिमाग लगाने वाला गेम है, इतना ईजी नहीं है, पर काफ़ी देर सोचने के बाद में समझ में आता है कि किस लेवल को कैसे पार किया जाए। तो बहुत ही मज़ा आता है जब एट द एंड वो लेवल पार हो जाते हैं ना, बहुत ही मज़ा आता है। तो देखते हैं कि अगले लेवल पे हमको क्या कंडीशन मिलता है, क्या चैलेंज मिलता है। तो अभी तक तो सब ठीक लग रहा है। Please know that we have added a consequence for failure. Any contact with the chamber floor will result in an unsatisfactory mark on your official testing record, followed by death. Good luck. Okay, तो this time floor is lava. यानी कि अगर हम नीचे गिरे तो हमारा खेल खत्म हो जाएगा।
ठीक है कोई बात नहीं, रीसेट हो जाएगा फिर से चालू होगा। लेकिन जो अब देखिए, अब ये जो एनर्जी वाली वॉल है वो जा रही है वहाँ, ठीक है, ऑरेंज पोर्टल यहाँ बना हुआ है, तो जैसे ही ये इसमें से एंटर करेगा हमको उसमें पहुँचाना है, तो बाउंस बैक होके जा रहा है तो हमको वहाँ पहुँचाना पड़ेगा। बढ़िया, तो ये तो उतना हार्ड नहीं था, ये आराम से हो गया। पहले हमने वहाँ पोर्टल बनाया, जैसे ही वो बाउंस होके वापस इसके पास आ रहा था एक पोर्टल वहाँ बना दिया तो बन गया। अब हमको जाना है उस ऑरेंज वाले के पास में, क्योंकि हमको उस ट्रे में जाना है जो लगातार घूम रही है। तो एक तरीका ये है कि इसके ऊपर एक बना दिया जाए, लेकिन वो थोड़ा सा खतरा वाला है, तो सबसे पहले हमको ऑरेंज पोर्टल से उस पार जाना पड़ेगा। तो यहीं ब्लू वाला एक बना लेते हैं, तो बढ़िया। अब यहाँ से हम बाहर निकल गए, अब हमको एंटर करना है ये ऑरेंज वाले से, और ब्लू वाला बनाते हैं हम यहाँ पर। जैसे ही ट्रे वहाँ जाकर रुकेगा हम वहाँ एक पोर्टल बना देंगे बढ़िया ऐसे, तो हम रेड ऑरेंज वाले से यहाँ से जंप करके सीधे ब्लू वाले से होते हुए हम ट्रे तक पहुँचेंगे। फिर ट्रे से होते हुए हम वो ओपन गेट जो है वहाँ तक पहुँच जाएंगे और ये लेवल भी आराम से ख़त्म हो जाएगा। तो अब बस वहाँ आ चुका है, यहाँ से हमको एंट्री करना है। ये आ गए हम ट्रे में और नीचे लावा है भाई, ख़तरनाक है, वहाँ नीचे गिरे तो ऊपर आने का कोई चांस नहीं है। तो हम आराम से ये ट्रे जा रही है और हम आराम से यहाँ कूद कर अब वापस जा सकते हैं। तो भाई आज का वीडियो यहीं तक, होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू, और ज़रूर मुझे बताइएगा कि ये गेम आपको कैसा लग रहा है और आगे मैं इसे कंटिन्यू करूँ या नहीं।